जाना है। सुरभि जी, आप सोई नहीं अभी तक? हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस टहलने चली आई। आप आराम कीजिए, आपकी सुबह देखो क्लास होती है ना, आप सो जाइए, जाके आराम कीजिए। हाँ, मैं जा ही रही थी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये गाड़ी, गाड़ी किसकी है? ये तो दारूबाज लोग है ना, कहीं भी जगह देखते हैं वहीं पार्क कर देते हैं। आप क्यों चिंता कर रही है, मैं देख लूंगा ना, आप जाइए, आप आराम कीजिए, जाइए। गुड नाइट मैम। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल तुम वहां पे छुपी क्यों हुई थी? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? जिस दिन से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम सारी लड़कियां मिलकर कुछ छुपा रही हो, लेकिन तुम लोगों की आंखें नहीं छुपा पाती। जब तक बताओगी नहीं तब तक हल कैसे निकलेगा? मैम, इस समस्या का कोई हल नहीं। हल हर चीज का होता है रुचि। मैम, मैं यहाँ पिछले 10 सालों से रह रही हूँ और आपको आए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप देर रात को बाहर मत निकलिया करिए। अरे, लड़कियों, आज मैं आपको किताब का कोई पाठ नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी शायद आप सबने बचपन में कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं आज इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि शायद आपको उसका अर्थ अब समझ में आ जाए। तो कहानी है मछलियों की। एक बार मछलियों का एक बड़ा सा समूह समंदर में तैरते तैरते शिकारी की एक जाल में फंस जाता है। अब सारी की सारी मछलियां एक साथ, सारी मछलियां बहुत डर जाती हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब कैसे करें, अब क्या होगा। तभी उनमें से एक मछली जाल से आजाद होने के लिए जाल के नीचे की तरफ जोर लगाती है ताकि वो आजाद हो जाए। पर बेचारी एक मछली के करने से कैसे होगा। लेकिन उस एक मछली को देख के बाकी की सारी मछलियां उसी की तरह नीचे की तरफ जोर लगाती हैं और फिर वो सारी की सारी मछलियां आजाद हो जाती हैं। तो बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यही मैडम कि एक आदमी से कुछ नहीं होता, असली ताकत एकता में होती है। बिल्कुल सही। क्यों रुचि, आपकी सहेली सही कह रही है ना? जी मैडम। ए रुचि, आज तुम्हारा नंबर है, चल काढ़ा पी ले। ए, तुम लोग क्या खड़े हो, चलो निकलो। अरे निकलो, चलो चलो चलो, लो काढ़ा पी लो। मुझे नहीं पीना है तुम्हारा काढ़ा। तू इधर, तू क्या नहीं पीना, पिछले बार भूल गई क्या हालत की थी तुम्हारी, चुपचाप पी ले काढ़ा, चल। आज तो रुचि का नंबर है। तू कितनी भी लोरी सुना ले, सुरभि मैडम सोती नहीं है। कल देखा था कैसे भटक रही थी आत्मा की तरह। कल तो मैंने संभाल लिया, पर अब नहीं संभाल पाऊंगा मैं, शक हो गया उसे। यार चाचा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा पाउडर काम ना करे, ये मैडम है ना दूध ही नहीं पी रही। तो सुन, सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वो दूध पिए, उसके बाद सोए खराटे मार के, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। ठीक है, देखो चाचा मैं क्या करता हूं। अरे गुड्डू, हाँ हाँ ले आओ। अरे नहीं नहीं, मुझे ही दे दो, ठंडा हो जाएगा। थैंक यू गुड्डू। Thank you.
चूहे लेके गए उसको अंदर। अरे मैडम क्या चाहिए? खोलो खोलो दरवाजा। अरे अंदर नहीं भेजा, उसकी तबीयत खराब है। अरे मैडम उसकी तबीयत खराब है, बात तो सुन। दरवाजे की पीट रही है। छोड़ो मेरा। अरे मैडम मैं बोल रही हूँ दरवाजा अभी के खुलवा दो। अरे मैडम दरवाजा खोलो। अरे क्या कर रही है आप? हाँ सर भी क्या हुआ, दरवाजा क्यों पीट रही हो? सर आप, सर वो मैंने इन दोनों को रुचि को अंदर ले जाते हुए देखा और उसके साथ कोई और। हाँ रुचि तो यहीं पर है। आराम से पियो 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 पियो। हमें पता चला कि रुचि को चक्कर आ रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों को वहां भेजकर उसको यहाँ बुला लिया ताकि हम उसको दवाई वगैरह दे सकें। सर लेकिन दवा तो आप उसके कमरे में भी दे सकते थे ना, उसके लिए इतनी रात को यहाँ। बाकी दो और लड़कियां भी रहती हैं उस कमरे में, उनकी नींद खराब हो जाती अगर हम सब लोग वहां रहते थे। आप जाइए ना। जी सर। रुचि कैसी हो आप? तुम ठीक हो मैम? थैंक यू, कल आपने मेरी मदद की। रुचि क्या तुम मुझे बताओगे कि कल वहां क्या हो रहा था? देखो मुझे पता है कि मेरे वहां आने से पहले कुछ और चल रहा था वहां, प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैम बोलो। हमसे यहाँ सिर्फ व्यापार करवाया जाता है। बहुत खतरनाक लोग हैं मैम। कविता मैडम के साथ जो हुआ इसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ है। जब मैं तुमसे इतने दिन से पूछ रही थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैम यहाँ इनके साथ कौन मिला हुआ है और कौन नहीं ये मैं नहीं जानती। यहाँ पे कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है। मैं रोकूंगी ये सब, मैं तुम सब लोगों की मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होंगे। मैम मैम एक मिनट मेरे पास है। वरुण अरे हुआ क्या, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? सुनिए वरुण मुझे आपकी मदद की जरूरत है, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड चल रहा है। चल क्या रहा है आप बताइए तो सही। तोता और मैना की जोड़ी गुफ्तगु कर रही है। करने दो, हमने जाल ऐसा बिछाया है कि फड़फड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब चल रहा है यहाँ पे? जी हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं हम पुलिस को कैसे इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पे फोन के नेटवर्क्स नहीं आते हैं। मैंने अपने रूम से लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो भी काट के रखा है इन लोगों ने। अब एक ही तरीका है, हमें खुद जाके पुलिस को खुद बताना पड़ेगा। नहीं 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 वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इनको बिल्कुल भी शक हुआ ना तो बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के ऑफिस में लैंडलाइन है? हाँ हम वहां से करेंगे। चेक करो, चालू है, जल्दी करो। Oh.
थक गई? अच्छा, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मैं भी इसी मंडली का सदस्य हूँ। आपके साथ जो अच्छा बर्ताव था ना, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको कभी किसी पे शक हो तो आप मेरे पास आए। और आपने वैसा ही किया। वैसा ही किया। आपको पता है, कविता को भी आप ही की तरह सब कुछ पता चल गया था। मुझे उसे मारना पड़ा। अरे नहीं 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 आप, अरे रुक जाइए सुरभि जी, बात कर रहा हूं ना मैं। कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आपको भी तसल्ली से फिनिश करेंगे जैसे उनको किया था। गुड्डू, रुचि और रुचि का फोन दोनों को मेरे पास लेके। ए रुचि, फोन दे तेरा, चल। फोन? मेरे पास कोई फोन नहीं है। नाटक मत कर, वो तेरी सुरभि मैम पकड़ी गई, वो उसने बता दिया कि तेरे पास फोन है। चल फोन दे, चल निकाल, कहाँ छुपाया फोन, निकाल निकाल फोन, चल निकाल फोन, निकाल फोन, फोन नहीं है तेरी। तुम फोन दे रही है कि नहीं? कौन फोन, फोन दे रही है कि नहीं? देखा, फिर भी मैंने कहा था ना कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अब समय आ गया है, हमें हमारी एकता की शक्ति दिखानी होगी। वो सब जो हमने सहा है, वो जख्म जो इन सब ने हमें दिए हैं, उसका बदला लेने का समय आ गया है। हमें अब सुरभि मैम को बचाना चाहिए। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ। तो चलो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।